ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हौसले को आजमाना पड़ता है और भंवरलाल अपने हौसले की बदौलत ही आज कई लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। जन्म के ठीक 2 साल बाद भंवरलाल पोलियो की चपेट में आ गए और इस खतरनाक बीमारी ने भंवरलाल से उनके दोनों पैर छीन लिए। भंवरलाल को पोलियो हुआ तो परिवार में हाहाकार मच गया। घर वालों ने काफी इलाज करवाया लेकिन उनका पैर ठीक नहीं हो पाया। घर वाले इस चिंता में हर वक्त लगे रहते थे कि पता नहीं कैसे भंवरलाल की जिंदगी चलेगी, लेकिन घर वालों को भंवरलाल के हौसले का इल्म नहीं था। तो ठीक लगे पहली सुबह मारे घनी चिंता हुई भाई अब क्या रसी इनकी पालसिया क्या मारो दिखाओ सी। फिर वो बड़ो हो गयो फिर मारो अब वही चलावे घर ही। कई दिन माना ही की घनी चिंता रही मारे पर बोझ हो गयो। शुरू से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाले भंवरलाल ने शिक्षा को ही अपने हथियार बनाया और ट्रिपल MA किया। पढ़ाई करने के बाद भंवरलाल ने अपनी जिंदगी को संवारने की ठानी और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ भंवरलाल घर में ही बनी छोटी सी दुकान भी चलाते हैं। साहब जब मैं 2 साल होने जब मैं विकलांग हो गया, आज लगभग 40-42 साल पहले की बात है। और विकलांग होने के बाद में मैं विकलांगता ने विकलांगता कौन समझी इन भावना में कभी कौन ले और मैं जोश और होश के सागे में साहब परिवार चलाने के लिए और मेरे खुद को खर्चा उठाने के लिए मैं गाँव में मेरी छोटी सी दुकान करा की है। अभी मेरे गुजारो करूँ इनके अलावा मैं सगे सगे बचाने कोचिंग करूँ। इन करने का मतलब वो है मेरा उद्देश्य है कि हमारे गांव में ना जो शिक्षा को माहौल ज्यादा में ज्यादा बने और हमारे गांव में सारा लोग शिक्षित हो जाएं, सारा लोग ट्रेंड हो जाएं। गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भंवरलाल पिछले 8 सालों से उन छात्रों को सम्मानित करते आ रहे हैं जो बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होते हैं। इतना ही नहीं राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों का भी वो सम्मान करते हैं, साथ ही सरकारी सेवा में चुने गए युवाओं को भी स्मृति चिन्ह देते हैं। तो मैं इस गांव में 2014 में आई थी तो उस समय से देखा कि भंवरलाल जी एक विकलांग होने के बावजूद भी पहली बार जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ उसमें आप आए और आपने हर बच्चे जो 10वीं 12वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रथम रहते हैं उनको 500-500 रुपये का नगद इनाम देते हैं। उसके अलावा अपने प्रतीक चिन्ह भी देते हैं। बाद में हमारे यहाँ जैसे जैसे खेल की विधा शुरू हुई तो खेल में भी जिन बच्चों ने राज्य स्तर पर भाग लिया और राज्य स्तर पर कोई भी उपलब्धि प्राप्त की तो उनको भी वो अपनी तरफ से ट्रॉफी देते हैं। राज्य के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूसर बिकान में दोनों जो विद्यालय हैं सरकारी उनमें कक्षा 5, 8, 10 और 12 में जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहते हैं उन सबको प्रेरणा के रूप में उसे प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार देते हैं। तो लोगों को बच्चों को प्रेरित करते हैं, जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसको प्रेरित करते हैं। खुद विकलांग होने के नाते भी ये अपने ऐसे नहीं समझते बिल्कुल भी। पर्यावरण प्रेमी भंवरलाल गांव को हरा भरा बनाने के लिए पिछले 10 सालों से पौधारोपण भी कर रहे हैं, साथ ही विद्यार्थियों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। के मार्ग पहले मैं जब सीनियर में पढ़ता था तो काफी कमजोर था और मैं पढ़ाई से उब चुका था और मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इससे मैंने फिर आगे तक की पढ़ाई की, फिर BEd किया, MA किया और MA कर लिया। मैं प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचिंग करवाता हूँ। हमारे ताऊजी पर हमें बहुत गर्व है, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं और वो खुद पढ़ते हैं, बच्चों को ट्यूशन करवाते हैं और पेड़ पौधे लगाने की भी प्रेरणा करते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। वो भंवरलाल जी हमारे गुरुजी रह चुके हैं और गांव के अंदर इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखे। विकलांग होने के बावजूद भी गांव के लिए इतना कुछ करना, मतलब अगर कहें तो मतलब शब्द नहीं है इनके लिए कुछ कहने के लिए। और हमारे गुरुजी भी हैं और आज भी ये मतलब हर काम करने के लिए आगे रहते हैं। गाँव में छोटा मोटा कोई भी काम हो सबसे आगे रहते हैं। दिव्यांग भंवरलाल ने एक टाइगर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसमें गांव के युवाओं को जोड़कर गोवंश की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। उस चंदे से गांव की जो बीमार गायें होती हैं उनका इलाज किया जाता है। अपने हौसलों की वजह से आज भंवरलाल लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं, लोग उनका उदाहरण भी देते हैं। चुरू से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।